16 दिसंबर 2021 को मैंने कहा था ये, अगर इसको कंजर्वेटिव भी मैं मान लूं तो आप 15 फरवरी तक अपने पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस को खत्म कर सकते हो, देन उसके बाद आपको सिर्फ अपने रिवीजन और सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस पर टाइम लगाना पड़ेगा, जिसकी स्ट्रेटेजी हम उसी टाइम पर आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे नहीं पता, आज है 1 फरवरी और आपके पास है सिर्फ 10 दिन और 5 दिन ग्रेस, यानी कि 15 दिन। अब 15 दिन के बाद हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज से कई दिनों पहले हमने टर्म 2 की पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अगर हमारे दिए हुए नंबर ऑफ आवर्स को एलोकेट करके हर चैप्टर की तैयारी करते हैं तो आपका सिलेबस 10 फरवरी तक ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। और उसमें मैंने 5 दिन ग्रेस के भी दिए थे, ये मानते हुए कि अगर कुछ दिन आपके वेस्ट हो जाते हैं तो भी आप 5 दिनों के ग्रेस में उसको खत्म कर लेंगे। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, 15 तारीख तक आपके पास पूरे 15 दिन का भी समय है, तो जो करना है करो। मुझे नहीं पता, मुझे 15 तारीख तक एटलीस्ट आपका एक बार सिलेबस खत्म चाहिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 तारीख से शुरू होगी हमारी रिवीजन सीरीज, और इस बार जो रिवीजन सीरीज होने वाली है मेरे साथ वो अब तक की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार रिवीजन सीरीज होगी क्लास 12th की। लेकिन आपको उसके लिए एक काम करना बहुत जरूरी है, अपने सिलेबस को एटलीस्ट एक बार कोशिश करना कि उससे पहले खत्म कर लेना। अब मैं बताता हूं कि ये हमारी रिवीजन सीरीज चलेगी कैसे। आपको 15 फरवरी के बाद प्रॉपर एक प्लानर मिलेगा रिवीजन सीरीज का, यानी कि किस दिन हमें क्या पढ़ना है और किस दिन हमें कितनी चीज को कवर करना है, उसका पूरा एक शेड्यूल मिलेगा। सारी की सारी मेरी रिकॉर्डिंग्स और सारी की सारी लाइव क्लासेस मेरे साथ उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उस प्लानर को डेडिकेटेडली फॉलो करना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास शायद कोई बुक ना हो या कोई सैंपल पेपर ना हो और वो हिचकिचाते हैं कि अब हम क्या नई सैंपल पेपर खरीदें या कौन सी नई बुक लें। तो बेफिक्र रहना बच्चों, आपके पास अगर बुक है और आप कोई भी सैंपल पेपर या किसी भी जगह से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कर सकते हो, बेझिझक होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जिस बच्चे के पास कोई बुक नहीं है, कोई सैंपल पेपर नहीं है या कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, तो वो घबराना मत, मैं हर चैप्टर की आपको प्रैक्टिस मटेरियल, प्रॉपर सैंपल पेपर्स खुद प्रोवाइड करूंगा अपनी रिवीजन सीरीज के अंदर। तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि इन 15 दिनों में आप अपने एक बार के सिलेबस को कंप्लीट कर लो बस, उसके बाद अपनी सारी टेंशन आप मुझे दे देना, क्योंकि इस बार टर्म 2 के अंदर मेरा वादा है जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप इस कॉन्फिडेंस से बैठोगे कि आपकी तैयारी 100% की है। तो जाने से पहले अब आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करके अपने टीचर का प्रोत्साहन बढ़ाना, दूसरा इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सारे ग्रुप्स के अंदर, चाहे आपकी बुआ जी, ताई जी, मौसी जी, चाचा जी, सबको, कुत्ते तक के ग्रुप में इसको शेयर कर देना। क्या पता किसी का रिश्तेदार का बच्चा क्लास 12th में कॉमर्स में हो और वो परेशान हो रहा हो कि मैं रिवीजन करूं तो करूं कहां से। तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और 15 तारीख के बाद से जब कॉम्पिटिशन यहां पर शुरू होगा तो मजा भी उतना आएगा। और तीसरी चीज, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि 0 to 100 के स्केल पे आपकी तैयारी अभी कितने परसेंट लेवल पर है, क्योंकि मेरा ये प्रॉमिस है जब हमारी ये रिवीजन सीरीज पूरी खत्म होगी और आप एग्जाम से जस्ट पहले होंगे तो आप अपने आप को 100% लेवल पर मानोगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं मिलूंगा अब आपसे 15 दिन के बाद। तब तक अपने प्रॉमिसेस को याद रखना, और 15 दिन बाद जब मुलाकात होगी तो धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे हमारी रिवीजन सीरीज। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।